Assalamu alaikum, everyone. My name is Tara Rais. I'm instructor. Aaj, education mein yahan pe hum Arabic language ka start kar rahe hain. Arabic language jo hai wo har Musliman ko seekhni chahiye. Arabic language jo hai seekhte hain kuch log bolte hain mushkil hai, to aisa nahi hai. Arabic language easy hai. हर काम को करने से पहले लगता है कि वो मुश्किल है बहुत, लेकिन जब उसको स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं तो एंड टाइम पे हमें लगता है कि ये काम तो बहुत इजी था और हमें बहुत मुश्किल लग रहा था. तो उसके लिए हमें चाहिए कि किसी भी काम को शुरू करें तो उसका फर्स्ट स्टेप लें. फर्स्ट स्टेप जो है वो लेंगे तो हम लास्ट स्टेप पर जाएंगे. तो अरबी इस तरह एक ज़बान है. कुरान पाक की ज़बान अरबिक है, पश्तो की ज़बान अरबिक है. अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक नाजिल किया मुसलमानों पर वो अरबिक लैंग्वेज में, और हज़रत सल्लम और सहाबा इकराम जो थे वो अरबिक लैंग्वेज में आपस में बात करते थे, और उन्हीं पे हज़रत सल्लम पे अरबिक ज़बान में कुरान पाक नाजिल हुआ. तो अरबिक लैंग्वेज जो हम समझने के लिए इसको हम यहाँ क्लास शुरू होगी, ताकि हम बआसानी अरबिक समझ सकें, सीख सकें, और जब हमें अरबी आती हुई तो हमें कुरान पाक पढ़ने में आसानी होगी. उसके अल्फाज, उसका तर्जुमा हमारे को समझ में आएगा. वैसे तो हम लोग कुरान पाक रमज़ान मुबारक में बहुत पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके अलावा भी सुबह में हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं. लेकिन हमें जब तक मायने नहीं पता होंगे उनके, अरबिक नहीं आती होगी, उसके अल्फाज नहीं आते होंगे, तो हमें मुश्किल होती है. तो इसीलिए अरबी का एक शॉर्ट कोर्स और बिगनर्स के लिए जो अरबी बिल्कुल नहीं जानते, उनके लिए आसानी है कि वो ये कोर्स ज्वाइन करें, और ये ज्वाइन करें ताकि आप जो है वो अरबी का कोर्स जो है वो स्टार्टिंग से बिगनर करें, ताकि स्टार्टिंग जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अरबी इजी भी है, और आपको आसानी से जब ये समझ में आएगी तो आप कुरान पाक भी आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं. तो नाउ स्टार्ट. आज जो है वो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे अरबिक. जी, अदरसुल अव्वल. अरबिक में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो उर्दू में भी मिलते जुलते हैं. अब उर्दू में भी वो अल्फाज आते हैं लाजमी, तो इतना इसमें मुश्किल नहीं होता. जैसे कोई भी किसी वर्ड से हम यूज़ करते हैं कि किताब, आप देख रहे हैं बोर्ड पर किताब. किताब क्या है? किताब उर्दू में भी हमारी किताब होती है, तो क्या है ये किताब. किताब को हम अरबी में क्या बोलेंगे? किताबुन. तो ये अरबी में आ जाएगा किताबुन. कलामुन, कलम जिससे हम काम करते हैं, लिखते हैं, कलामुन. इसी तरह कलामुन के अलावा मकतबुन, मकतब जो हमारे पास टेबल होती है पढ़ने के लिए, उसको मकतबुन. दरवाज़ा होता है उर्दू में दरवाज़ा, और अरबिक में उसको बाबुन बोलते हैं. बाबुन, या अगर हम आखिर में वक्फ करते हैं तो बाब. स्टार्टिंग में जब हम अरबी पढ़ेंगे तो हम ज़बर, ज़ेर, पेश, इस तरह की ये चीज़ें जो इसके तजदीद और ये सब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इस पे लगाएंगे. क्यों? क्योंकि ताकि हमें अरबिक में जब बोले तो हमें पता हो कि किताबुन पढ़ना है या किताबिन पढ़ना है, क्या पढ़ना है. तो इसमें हमें ये आसानी होगी. बाद में जब हम तकल्लुम या बातचीत करते हैं आपस में तो उसमें हम इस तरह का नहीं पढ़ते हैं. पढ़ते हैं, लेकिन जब लिखने में आता है तो आम तौर पर जब ज़्यादा तेज़ लिखना होता है तो हम क्या करते हैं कि अरबिक में ये ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगाते. तो जब हम सीख रहे हैं तो हम ये लगाएंगे कि हमें पता चले कि हमने कलमुन पढ़ना है या कलम क्या पढ़ना है, इस तरह का है. ठीक है, तो अब इसका पहला अरबिक ग्रामर से हम स्टार्ट करते हैं. तो यह है हाजा. हाजा, हाजा अरबिक में हाजा, और उर्दू में ये. किसी भी चीज़ के लिए जैसे ये किताब, हाजा किताबुन. कलमुन, अब जैसे कलम है, हाजा कलमुन. किसी भी चीज़ को बता रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं कि क्या है. मा हाजा क्या है? मा हाजा, इसका मतलब ये है कि ये क्या है. हादा, ये क्या है, इसका मतलब ये माहादा, हादा कलामुन. तो ये अरबिक है, और इसमें हमने बता दिया कि ये सवाल का, और ये उर्दू में हमने इसका तर्जुमा भी कर दिया. और ये अरबिक ग्रामर्स का जो कोर्स है ये उर्दू से
अरबिक में है, तो इसलिए जो जो परेशान हो रहे हैं कि हम इंग्लिश नहीं आती, तो हमने उनके लिए अरबिक में उर्दू से अरबिक में रखा है ताकि वो आसानी अपनी लैंग्वेज से ही अरबिक में ट्रांसलेशन कर सकें और सीख सकें। जी जाओ।